हाय गाइस, आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि मेरा छोटा भाई राघव वो एमबीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है एंड हमने टारगेट बनाया कि उसको टॉप एमबीए कॉलेजेस में कहीं ना कहीं एडमिशन दिलवानी है, इसलिए कैट एनमेट मोस्टली सब एग्जाम देने वाला है एंड क्योंकि नरसिम्हा जी हमारे लिस्ट में काफी ऊपर था इसलिए रिसेंटली मेरे भाई ने एनमेट का एग्जाम फिल किया था। एंड आज मैं नरसिम्हा जी पे वीडियो बना रहा था ना, तो मुझे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ, उसने सिर्फ एक ही पेमेंट करवाई है वो भी एनमेट थी, उसने सेकंड पेमेंट तो करवाई नहीं क्योंकि नरसिम्हा जी के लिए अलग से फॉर्म फिल करना पड़ता है। इसलिए आप देख सकते हो कि मैंने उसको 12:30 बजे कॉल किया था, तो आप देख सकते हो कि मैंने उसको 12:30 बजे कॉल किया था। हाँ, अभी तो वैसे 1 बजने वाला है, तो आधे घंटे पहले मैंने उसको कॉल करके पूछा एंड उसने बोला कि कौन सा फॉर्म, मैंने तो एनमेंट भर दिया, उसमें टिक करना होता है नरसिम्हा जी, तो मैंने कर दिया था। फिर मैंने उसको समझाया ऐसा नहीं है, अगर आपको नरसिम्हा जी के लिए एलिजिबल होना है तो आपको सेपरेटली एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो वह सुनकर शॉक हो गया था। तभी मैंने सोचा यार, अगर ये कन्फ्यूजन राघव को हो रही है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकती है, इसलिए मैं आपको A to Z डिटेल्स बताने वाला हूँ अबाउट NMIMS एज वेल एज एनमेट, ताकि कोई आप गलती ना करो, आपकी सब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी रिगार्डिंग द अप्लाइंग डेट, कैंपसेस में क्या क्या कोर्सेज ऑफर होते हैं, उनकी फीस, उनके एवरेज पैकेजेस, समर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट रिपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इन्हीं चीज़ों से मुझे और मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोज बनाने के लिए। तो देखो सबसे पहले आते हैं हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई करना है दो फेजेस में। सबसे पहले तो आपको एनमेट के लिए रजिस्टर करना है एंड देन आपको करना है NMIMS के लिए रजिस्टर। अब देखो NMIMS का रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले तो इसकी डेट्स है, जो NMIMS की फॉर्म की डेडलाइन है वो है 1 अगस्त से लेकर 10 अक्टूबर तक। एंड एक कंडीशन इसमें और है, एनमेट के रोल 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं एंड NMIMS फर्स्ट अटेम्प्ट ही कंसिडर करेगा। अप्लाई कहां से करना है उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नंबर 2, कैंपस नो हाउस। देखो NMIMS के टोटल 5 कैंपसेज है, जिसमें से सबसे पुराना कैंपस है नरसिम्हा जी मुंबई, देन हमारे पास 4 दूसरे कैंपसेस है हैदराबाद, इंदौर, बेंगलुरु एंड नवी मुंबई। मुंबई कैंपस पे जो कोर्सेज ऑफर होते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये कोर्सेज हैं MBA इन जनरल मैनेजमेंट और कंसंट्रेशन इन फाइनेंस, मार्केटिंग और ऑपरेशंस। इसके साथ साथ 4 और कोर्सेज ऑफर होते हैं, MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेज, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। बाकी 4 कैंपसेज पे जो कोर्सेज ऑफर होते हैं वो है MBA इन जनरल मैनेजमेंट और कंसंट्रेशन इन फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी, एनालिटिक्स और ऑपरेशंस। इन सब की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होंगी। ये आपको सभी कैंपसेज पे मिल जाएगी एंड ये प्लस पॉइंट भी है, सभी कैंपसेस पे सेम करिकुलम फॉलो करते हैं। अब इन कोर्सेज के अलावा जो मुंबई वाला कैंपस है उस पर कुछ स्पेशल कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि MBA कोर प्रोग्राम, MBA HR, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। ये स्पेशली आपको मुंबई वाले कैंपस पे मिलेंगे। इन सब की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं फीस की एंड प्लेसमेंट्स की। देखो फीस के मैं टेंटेटिव नंबर्स बता देता हूं। MBA कोर एज वेल एज जो MBA HR है उसकी फीस रहने वाली अराउंड 25 लाख, MBA फार्मा की रहने वाली अराउंड 16 लाख, बिजनेस एनालिटिक्स एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की रहने वाली अराउंड 22 लाख। अब बात करते हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट्स की। अगर हम बात करें MBA कोर की, तो MBA कोर का जो हाईएस्ट पैकेज है वो गया 67 लाख, एवरेज पैकेज गया 25 लाख, MBA HR में एवरेज पैकेज गया 19 लाख एंड हाईएस्ट पैकेज गया 25 लाख। इसमें फर्दर डिटेल्स अगर देखें, MBA कोर में टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटर्स जो है 168 है। इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट प्लेसमेंट रिपोर्ट्स का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में जरूर ऐड कर दूंगा, ताकि आप डिटेल में देख पाओ एंड आप समझ पाओ आपके लिए क्या चीज बेस्ट है एंड क्या चीज आपको एग्जैक्ट चाहिए। आप समझ पाओ कि जिस फील्ड में आपको जाना है वहां का पैकेज क्या है, वहां के रिक्रूटर्स क्या है, कितने रिक्रूटर्स आते हैं, आप अच्छे से जान पाओ। ये प्लेसमेंट रिपोर्ट जरूर से पढ़ लेना। सिलेक्शन प्रोसेस, NMIMS का सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेजेस में डिवाइड है। स्टेज नंबर 1, जब आप एनमेट दोगे उसकी आपकी सेक्शनल एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ देखी जाती है एंड ये कट ऑफ वेरी करेगी फ्रॉम कैंपस टू कैंपस एज वेल एज आप कौन से कैंपस का कौन सा कोर्स देख रहे हो। स्टेज 2 में आपका फर्दर 3 चीजें होती है, जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट, रिटन एबिलिटी टेस्ट एंड फाइनली पर्सनल इंटरव्यू। ये सब चीजें होने के बाद हर चीज की डिफरेंट वेटेज है। एनमेट स्कोर की अलग वेटेज दी जाएगी, इन 3 चीजों की अलग वेटेज दी जाएगी एंड देन तुम्हारे वर्क एक्स, एकेडमिक एक्सपीरियंस एंड प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तुम्हारा फाइनल वेटेज रेडी किया जाएगा एंड इफ यू आर लकी तो यू विल गेट अ कॉल एंड इसके बाद रिलीज होती है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो आई होप आप लोगों को सब चीजें क्लियर हो गई एंड मैंने पूरा ट्राई किया कि सिंगल वीडियो में A to Z चीजें ऐड कर दूं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो अभी भी कमेंट में बताना एंड मैं डेफिनेटली हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।